सो बेसिकली राइट नाउ इसमें हम क्या डिस्कस करें, अब हम डिस्कस करें न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस, और यू कैन से क्वांटिटेटिव डेटा जब हमारे पास हो उसका हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। सो सेम वे लाइक जैसे हम लोगों ने कहा था कि क्वालिटेटिव के अंदर टेबल्स ठीक है, ग्राफ्स और परसेंटेजेस हैं, यहाँ पे हमने कहा क्या कहा कि यहाँ पे भी आप टेबल्स ग्राफ्स और नंबर्स के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जब हम ग्राफ की बात कर रहे थे तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम अवेलेबल है, वी हैव बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ठीक है, और टेबल के अंदर हमारे पास स्टेम्प एंड लीफ था और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस थे जिनको हम बना सकते हैं। ओके सो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक डेटा सेंड किया था, दैट वाज विद द नेम ऑफ wg.csv ठीक है, दैट इज अ बेसिकली वेट गेन डेटा सेट है। सो उसको हमने रीड आउट करना है। सो अगेन मैं जो फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ read.csv, जो कि हमारी कॉमा सेपरेटेड वर्जन फाइल को जो है वो रीड आउट करने में हेल्प आउट करेगा। सो फाइल डॉट चूज जो है वो हमें क्या कर रहा है, सो बेसिकली वो हमें एक पॉपअप विंडो दे देगा जिससे हम जो है वो अपनी फाइल को जो भी जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ी है उसको चूज कर सकते हैं। और हेडर इज इक्वल टू ट्रू रखने का हमारे पास क्या मकसद है कि जो हमारे डेटा सेट के अंदर फर्स्ट रो होगी ओके, उसको वो एज अ वेरिएबल कंसिडर करे। ओके सो इफ आई रन दिस कमांड सो वो मुझे क्या कर देगा, एक पॉपअप मेन्यू आ गया। सो मैं यहाँ से wg जो वेट गेन फाइल है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके नाउ आई वांट टू व्यू दिस डेटा सेट, सो हमारे पास जो कमांड है वो व्यू का v कैपिटल है बाकी स्मॉल है, और मैंने उस d को रख दिया क्योंकि ये सारे के सारे डेटा सेट डी के अंदर स्टोर है। सो इफ आई रन दिस कमांड नाउ आई कैन सी कि मेरे पास एक जेंडर नेम का वेरिएबल है, एक शिफ्ट नेम का वेरिएबल है, एक wg नेम का वेरिएबल है विच मीन्स वेट गेन, एक मेटमिन का नाम वेरिएबल है ठीक। सो राइट नो हम जिसके अंदर मेनली जो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है वो wg है विच इज अ वेट गेन वेरिएबल। ओके और आप साथ साथ में ये भी देख रहे होंगे कि शिफ्ट डिफरेंट टाइमिंग्स की शिफ्ट के परस्पेक्टिव से भी हमारे पास डेटा और डिफरेंट जेंडर परस्पेक्टिव से डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल मेरे जो डेटा का वेट गेन वेरिएबल आई मीन wg वेरिएबल है उसका मैं स्टेम्प एंड लीफ प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए हमारे पास आर के अंदर फंक्शन है स्टेम्प, सो stem स्टेम्प करोगे देन ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास डी आ गया। डी क्या है, दैट इज कि जिसके अंदर वो सारे के सारे डेटा सेट स्टोर है ठीक है। सो मैंने आपको बताया था बेसिकली हम उस पर कॉलम कर रहे हैं, देन जैसे हम डॉलर साइन करेंगे तो मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी तमाम की तमाम वेरिएबल्स की। सो राइट नाउ मैं जो स्टेम्प एंड डी प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ वो wg वेरिएबल का बनाना चाह रहा हूँ। सो इफ आई रन दिस कमांड ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, स्टेम्प एंड डी प्लॉट बन के आ गया। ओके और यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट में जो लेफ्ट साइड है दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग स्टैम्प पार्ट एंड राइट हैंड साइड पे वो लीफ पार्ट को इंडिकेट कर रही है। ओके अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे 0 दो दफा नजर आ रहा है स्टैम्प में, इस तरीके से 1 भी हमें 2 टाइम्स नजर आ रहा है और हमें 2 भी 2 टाइम्स नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने डेटा सेट को देखें तो मेरे पास जो फर्स्ट रो है वो क्या इंडिकेट करी है कि मेरे पास जो स्टेम क्लास है वो 0 to 4 है। सो दैट मीन आपके डेटा सेट के अंदर जहां जहां पे भी उसको 0 से लेके 4 तक नंबर नजर आ रहे होंगे। सो इस 0 और इस 0 का क्या मतलब है, दैट मीन 0 0 ओके, और इस 2 का क्या मतलब है, दैट मीन 0 2 राइट। सो दैट मीन दो लोग ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है ओके, जिनका वेट गेन जो है वो 0 है राइट। सो हमारे पास ये बेसिकली लीफ पार्ट को इंडिकेट कर रहा है और ये स्टेम पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्लास है वो 0 to 5 के दरमियान है और आगे उसकी हमारे पास वैल्यूज गिवन है कि जी 5 5 5 ये कितनी दफा आया हुआ है डेटा सेट के अंदर, रिपीट हुआ हुआ है 6 कितनी दफा डेटा सेट के अंदर रिपीट हुआ हुआ है, 7 कितनी दफा डेटा सेट के अंदर रिपीट हुआ हुआ है,
उनकी वैल्यूज वो एज इट इज लिख रहा है. ओके, जस्ट काउंट उनकी वैल्यूज को देखते जा रहा है और यहाँ पे लिखता जा रहा है इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली द फ्रीक्वेंसीज. ओके, सो वो हमें ईच डेटा पॉइंट के बारे में इंडिकेट कर रहा है, राइट. इसी तरीके से ये क्या है, 1 से 5 के दरमियान, मीन 10 to 15 के दरमियान अगर वैल्यूज है उनको लिखने के लिए हम ये वाला तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं. 15 से लेकर 19 के दरमियान जो डेटा सेट है उसको वो इस तरीके से लिखता है. और हमने डिस्कस किया था कि स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट जो है उसको अगर हम इसको मैं रोटेट करूँ, ठीक है, मीन इसको अगर हम एक्स एक्सिस पे ले हैं और इसको हम जो है वो 180 डिग्री के ऊपर जो है वो अगर हम रोटेट करें, सो वी कैन सी दैट कि ये हमें डेटा सेट की कोई ना कोई शेप को इंडिकेट कर रहा है. सो राइट नाउ इट इज लुक लाइक अ पॉजिटिव स्क्यूड कर्व. ओके, बिकॉज हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो डेटा सेट है वो स्टार्ट के अंदर ही लाई कर है, बाकी बहुत कम डेटा सेट जो है वो राइट टेल की तरफ लाई कर है. सो पीक शुरू में ही है सेंटर की बजाय, सो इट लुक लाइक अ पॉजिटिव स्क्यूड डेटा सेट. ठीक है, सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है वो इस रेंज के अंदर जो है वो वेट गेन जो है वो डेटा सेट लाइक कर रहा है. और स्टैम्पल लीफ के बारे में फर्दर हमने ये डिस्कस किया था कि इसको एक एडवांटेज हिस्टोग्राम के ऊपर ये है कि ये अगर आपने कोई इंडिविजुअल वैल्यू को देखना हो तो स्टैम्पल लीफ के अंदर वो आप इंडिविजुअल वैल्यू को देख सकते हो कि क्या वो डेटा सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. जबकि हिस्टोग्राम में आपने अगर देखना हो, अगर आपके पास हिस्टोग्राम बन के आया हो जो भी हम बनाते भी हैं, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर नंबर आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो डेटा सेट के अंदर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो आप हिस्टोग्राम के अंदर नहीं बता सकते. बाय द वे, सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि स्टैम्प एंड लीफ को हमने ड्रॉ कैसे करना है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने हिस्टोग्राम को अगर ड्रॉ करना हो तो हमारे पास आर के अंदर जो फंक्शन है विच इज हिस्ट, ओके, HIST, एंड देन वही वेरिएबल नेम मीन जिसके अंदर हमारे पास डेटा सेट स्टोर है, डॉलर साइन WG, that is basically the weight gain. So now we are, if we run this command, okay, now we can see that ki hamare paas ye histogram ban ke aa gaya. Okay, so aap logon ko iski interpretation ka pata hai ki wo kya hai. So wo interpretation ke point of view se agar hum discuss karna chahe. ओके, सो ये बेसिकली इस कमांड के जरिए हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम बन के आ गया. और इसकी इंटरप्रिटेशन हमने डिस्कस भी की थी कि एक्स एक्सिस पे बेसिकली क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आ रही होती है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही होती है. और हिस्टोग्राम हमें शेप के बारे में इंडिकेट कर रहा था, जैसे हमें स्टैम्प एंड लीफ में पता चल रहा था वैसे ही हमें यहाँ पे भी आइडिया हो रहा है कि आपके पास जो है वो हिस्टोग्राम की जो शेप बन रही है वो पॉजिटिव स्क्यूड हमारे पास बन रही है. सो दैट मीन हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड हो और मुझे एवरेज निकालनी हो और वेरिएशन निकालनी हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे, मीडियन. ओके, एज एवरेज हम निकालेंगे. ओके, दैट वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट वन. और IQR हम कैलकुलेट करेंगे एज अ मेजर ऑफ वेरिएशन. ओके, जो कि हमने डिस्कस किया था कि in order to compute out the standard value as well as the variation. Okay, जो next, ये वाली second command है, ये कुछ भी नहीं है, just हम क्या कर रहे हैं mean के accordingly कि मैं इसकी graph की heading क्या देना चाहता हूँ. Okay, so वो हम यहाँ पे कर रहे हैं and I am running this command, तो मेरे पास weight gain आ गया. इसी तरीके से अगर आपने x axis को जो value label करनी है और y axis को, सो यहाँ पे मैंने ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको डबल कॉमर्स के अंदर भी लिखोगे, मीन डबल कोट के अंदर भी लिखोगे तो भी ठीक है. सो मैं थर्ड कमांड को अगर रन कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर वो लेबल आ गए. फोर्थ जो कमांड है यहाँ पे एडिशन क्या आ रही है, ये कॉलम ब्लू. सो दैट मीन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बार्स के कलर है वो ब्लू में मुझे नजर आए इंस्टेड ऑफ वाइट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है दिस वन जो पार MFRO है, ये बेसिकली क्या कह रहा है, जो पार है वो बेसिकली आपके जो ये यहाँ पे ग्राफ है ये हमें एक समझ लें कि एक पेज है. सो वो बेसिकली पार क्या करता है, वो इस पेज को पार्टीशन कर देता है. ठीक है,
सो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल पार्टिशनिंग वन बाय वन मीन्स स्ट्रेट सिंगल पेज ही रखना चाह रहा हूँ. बट इफ यू वांट हम यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो रोज को इंडिकेट करता है, सेकंड पार्ट कॉलम को इंडिकेट करता है. मीन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस सिंगल पेज को वो टू रोज टू कॉलम्स में डिवाइड कर दे, मीन टोटल चार हिस्से कर. ओके, बट फिलहाल इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मैं वन वन रख रहा हूँ. सो इसका मतलब है कि आपने अपने पेज को एज अ होल ही कंसिडर कर. ओके, बहरहाल ये हमारे पास जो है ये सारी की सारी कमांड्स क्या कह रही है, जस्ट टू शो यू कि अगर आपने डिफरेंट कलर्स लाइक रेड कलर की अगर आप बार्स बनाना चाह रहे हो, ग्रे कलर, सो डिफरेंट कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन के आ रहे हैं, रेड ग्रे ग्रीन. ठीक है, और अगर आप ये ही डॉट कलर जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन मीन अगर आपने मिक्सर ऑफ कॉम्बिनेशन को यूज करना है, सो हमारे पास आर के अंदर ये कमांड अवेलेबल है. सो दिस इज जस्ट डिफरेंट कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पर ट्राई कीजिएगा कि जो जो अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट बॉक्स प्लॉट अगर हम बनाना चाहें तो बॉक्स प्लॉट हम कैसे बना सकते हैं. बॉक्स प्लॉट हमारे पास कमांड अवेलेबल है, देन डी डॉलर साइन डब्ल्यू जी. सो अगर हम इसको रन करें सो वी कैन सी दैट कि अब आपके पास ओवरऑल वेट गेन का हमें बॉक्स प्लॉट नजर आ रहा है. सो अगेन अगर मुझे इसके ग्राफ की हेडिंग देनी है और वाई एक्सिस को लेबल देना है, ओके, सो मैं कर रहा हूँ और देन आई रन दिस वन. सो नाउ वी कैन सी कि आपके पास ग्राफ के ऊपर जो है उसका लेबल आ गया, मेन मेन हेडिंग आ गई हुई है और वाई एक्सिस के ऊपर आ गया. ओके, ये दोनों कमांड्स के जरिए हम क्या कर रहे थे, मैं ओवरऑल जो वेट गेन का वेरिएबल था उसका हम बॉक्स प्लॉट बना रहे थे. अगर क्योंकि मेरे पास एक्चुअल डेटा सेट के अंदर क्या है कि मेल और फीमेल जेंडर वाइज मैं ये चाह रहा हूँ कि मेल और फीमेल का लेदर 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 से वेट गेन का मुझे बॉक्स प्लॉट नजर आए, मेल का सेपरेट नजर आए, फीमेल का सेपरेट नजर आए, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेल का डाटा लहदा करना पड़ेगा और फीमेल का डाटा लहदा करना पड़ेगा. सो बजाय इसके कि हम मैन्युअली करें, हम आर के अंदर ही इस डाटा सेट को सेपरेट कर सकते हैं. वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, wg.m, ये मैंने एक वेरिएबल नाम रखा जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ ओनली इस डाटा सेट के अंदर, जहां जहां पे भी मेल का डाटा है उसको मैं सेपरेट करना चाहूँ. तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डी दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसके अंदर आपका सारे का सारा डाटा सेट है. ओके, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट देन डी डॉलर साइन द नेम ऑफ द वेरिएबल जिसको आपने सेपरेट सेपरेट करना है. सो हमने किस वेरिएबल को सेपरेट करना है, जेंडर वाले वेरिएबल को. ओके, डबल इक्वल डबल कोट के अंदर हमने कर दिया एम, क्योंकि हमने यहाँ पे मेल और फीमेल लिखने की बजाय कैपिटल और एम और कैपिटल एफ लिखा है, तो आपने एग्जैक्टली वही वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पे मौजूद है. सो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम. ओके, सो अब ये लाइन बेसिकली कर क्या रही है कि वो इस डेटा सेट के अंदर जहां जहां पे अभी उस जिस रो वाइज जहां जहां पे उसको एम नजर आ रहा है उस वो डेटा सेट को पिक करेगा और उसको वो स्टोर करवा देगा किसके अंदर, wg.m के अंदर. और सेम चीज हम कर रहे हैं फॉर फीमेल डेटा सेट कि जहां जहां पे भी वो मुझे एफ नजर आए उसका डेटा सेट वो wg.f के अंदर हमने स्टोर करवा दिया. सो इफ आई रन दिस टू कमांड्स तो कर क्या रहे, इन दोनों कमांड्स के अंदर अब उसने मेल का डेटा लहदा स्टोर करवा लिया और फीमेल का डेटा स्टोर करवा दिया. सो अब हम इन दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं. सो मैं क्या करूँ, इस कमांड के अंदर बॉक्स प्लॉट द नेम ऑफ द वेरिएबल wg.m जिसके अंदर सिर्फ मेल का डेटा स्टोर है, सो wg.m अगेन उसके अंदर कौन सा वेरिएबल, वेट गेन. क्योंकि हम वेट गेन हमारा वाई एक्सिस, इसी तरीके से कॉमा डाल के wg.f डॉलर साइन wg दैट इज वेट गेन फॉर द फीमेल. इफ वी रन दिस कमांड तो हमें जो है वो साइड बाय साइड जो है वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट नजर आ रहा है. ओके, अभी हम इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, फिलहाल हम इसको लेबल भी कर लें क्योंकि यहाँ पे वन हमें जो है वो नजर आ रहा है, टू नजर आ रहा है और वाई एक्सिस हमें नजर आ रहा है. सो वी डोंट नो वन जो है वो किसका है और टू किसका है, जस्ट ग्राफ को देखते हुए. वैसे तो हमें पता है कि जब हमने बॉक्स प्लॉट बनाया जो फर्स्ट है वो मेल है, तो इट मीन वन मेल को इंडिकेट कर रहा है और जो नेक्स्ट है वो फीमेल है, सो टू फीमेल को इंडिकेट कर रहा है.
सो मैं अब इसको यूज कर रहा हूँ. इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स प्लॉट वही दोनों वेरिएबल्स, देन टाइटल ऑफ द जो ग्राफ हम रखना चाह रहे हैं, और वाई एक्सिस को जो आप लेबल देना चाह रहे हैं, कॉमा एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपने मतलब नाम देने हैं. सो दैट इज नेम इज इक्वल टू सी. सी के कंकेटिनेट या कॉम्बिनेशन कंबाइन कर देगा किसको, मेल और फीमेल को. सो दैट मीन वन की जगह पे वो मेल लिख देगा और टू की जगह पे वो फीमेल लिख देगा. सो इफ आई रन दिस कमांड तो हमारे पास यहाँ पे देखिए मेल फीमेल वेट गेन और हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पे वेट गेन इन LBS दैट मीन पाउंड्स के अंदर आ रहा है. ओके और हमने इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी. सो दिस इज अपर विस्कर, दिस इज लोअर विस्कर, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3, राइट. और ये वाला जो डॉट इंडिकेट ये कर रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग कि आउट ऑफ ऑल द मेन डेटा जो हमारे पास है, एक पर्सन ऐसा है जिसका वेट गेन कंपेयर टू अदर्स काफी ज्यादा है. ओके इसी तरीके से काफी ज्यादा फीमेल्स ऐसी हैं जिनका वेट गेन जो है वो कंपेयर टू अदर्स काफी ज्यादा, ठीक है. सो आउटलायर्स जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन ये बन रही है, वेर एज दिस इज अपर विस्कर Q3 Q2 Q1 एंड लोअर विस्कर को वो इंडिकेट कर रहा है. सो आउटलायर जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इंटरप्रिटेशन जो है वो बन रही है. So, जारी बताइए यहाँ पे वेट गेन है तो हमें इंडिकेट ये हो रही है कि वो ज्यादा फैटी लोगों को इंडिकेट कर रहा है. ओके सिमिलरली अगर मुझे क्या करना है जी, मुझे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट के परस्पेक्टिव से, कि जो डिफरेंट शिफ्ट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या शिफ्ट डिफरेंट शिफ्ट के अंदर जो लोगों का वेट गेन करने का तरीकेकार है वो ज्यादा है या कम. मीन ऐसा है कि जो 7 AM के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेट गेन ज्यादा है या 8 AM के ऊपर काम करने वाले लोगों का वेट गेन ज्यादा है, ठीक है. सो उसको करने के लिए हमें अगेन सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लेवल्स का कमांड लाइन है ये क्या करेगी. सो लेवल्स दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन $shift. So, मेरे पास अब जो सेकंड वेरिएबल है विच इज शिफ्ट, सो इसको अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे बताएगा कि आपके इस शिफ्ट वेरिएबल के अंदर कितने टाइप्स ऑफ शिफ्ट का डाटा अवेलेबल है. तो वो हमें बता रहा है कि जी 10 AM का डाटा अवेलेबल है, 11 AM का, 12. सो ये बेसिकली डिफरेंट तरह की कैटेगरीज है हमारे पास. ओके सो एक अदर कैटेगरी भी हमारे पास. सो अब फिलहाल मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ 10, 11, 12, 1 PM, 2 PM, 7 AM, 8 AM और 9 AM. सो मैं जस्ट इनको सेपरेट करना चाह रहा हूँ कि इन टाइमिंग्स के अंदर इन लोगों का जो है वो वेट गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉक्स एंड विस्कल प्लॉट है वो कैसे बनता है. सो लैदा लैदा करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने वेरिएबल का नाम रख दिया WG.7A, ठीक है, दैट इज 7 AM और एग्जैक्टली ऊपर जैसे हमने किया था, ठीक है जी. सो D$shift = 7 AM कॉमा. सो दैट मीन जैसे हमने ये कॉमा डाला विच मीन जो 7 AM जहां जहां पे जिस रो के अंदर 7 AM है उसको वो पिक कर ले, ठीक है, और उसके अगेंस्ट इस कॉमा और आगे हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है कि उसके अगेंस्ट जितने कॉलम्स हैं उनको भी वो पिक कर. ओके सो हमने इनको साथ ही सेपरेट कर लिया, दिस वन. So this is 7 AM data, this is 8 AM data, 11 AM, 12 AM. So जहाँ जहाँ पे वो हमें commands नजर आ रही है. Okay, at the end अब हमने box plot बनाना. So exactly अगर आप देखो कि मैंने वही variables के नाम लिखे हैं, then title of the graph लिखा है और आपके पास x-axis का मैंने label किया और name कर दिए कि मेरे पास जो पहला graph बन गया है वो 7 AM का है क्योंकि मैं पहले 7 AM वाला वेरिएबल यूज कर, इसी तरीके से 8 AM एंड सो ऑन. सो इफ आई रन दिस कमांड नाउ आई कैन सी दैट कि हमारे पास जो है वो 7 AM का बॉक्स प्लॉट, 8 AM का बॉक्स प्लॉट और 12 PM तक हमें जो है वो नजर आ रहा है. सो यहाँ से हमारे पास क्या इंटरप्रिटेशन बन रही है कि ऑन एवरेज इट इज लुक लाइक कि जो 7 AM के अंदर लोग काम कर रहे हैं, सो ऑन एवरेज सबसे ज्यादा वेट गेन उनका है, ठीक है, ऑन एवरेज बेसिस के ऊपर. और अगर हम वेरिएशन देखें तो ऑलमोस्ट जो वेरिएशन है वो सबकी इक्वल लग रही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली.
नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेटली जो वेरिएशन आ रही है वो सबकी एक तरह की लग रही है, लेकिन 8 AM के अंदर कुछ जो है लोग जो है वो ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है जो 8 AM शिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं, सो वी नीड टू चेक के उसके अंदर पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से ये वेट गेन ज्यादा कर रहे हैं। ओके आई होप क्या लोगों को ये इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर होगी। ओके अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये जो डेटा सेट हमने प्रीवियसली जो है वो हमने बनाया था, सो मैं जस्ट इनको रन कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये डेटा सेट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था प्रीवियस, मैंने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था जब हम आर को यूज कर रहे थे, और इन कमांड्स को भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू एक्सेस द पर्टिकुलर वैल्यू या हाउ टू एक्सेस द पर्टिकुलर रो या कॉलम। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपने किसी भी कॉलम का या जो किसी भी रो का अगर आपने एवरेज निकालनी है, मीडियन निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जो है मीन नाम का एक फंक्शन है कि अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है सेकंड कॉलम का, ओके सो दैट इज बेसिकली जो सेकंड कॉलम है वो क्या है हमारे पास डेटा सेट के अंदर, विच इज बेसिकली एज। सो मुझे अगर एवरेज एज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मीन एंड देन सेकंड कॉलम। इफ आई रन दिस कमांड आई कैन गेट मीन। सो सिमिलरली आप जो है वो इसी तरीके से एक और तरीके से निकाल सकते हो कि विद डॉलर साइन एज करके, ओके सो हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास कॉलम को जो है वो एक्सेस करने का। इसी तरीके से हमारे पास मीडियन फंक्शन है, ओके सो मीडियन अगर आपने कैलकुलेट करना है ऑफ द डेटा। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, क्वांटाइल। सो क्वांटाइल जब हम फंक्शन को रन करें तो वो मुझे बेसिकली दे रहा है 0% का मतलब क्या है कि दैट इज बेसिकली जीरो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और इस 100% का मतलब क्या है कि मेरे पास डेटा सेट के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है, 25% का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर, 50% का मतलब है सेकंड क्वार्टाइल का आंसर, और दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल आंसर। बट लाइक अगर आप लोगों को याद हो हमने डिसाइल्स और परसेंटाइल भी पढ़े थे, सो आर के अंदर हम क्वांटाइल फंक्शन से ही परसेंटाइल्स और डिसाइल निकाल सकते हैं। लाइक जैसे मैं आपको कहूँ कि P33 निकालें, ओके सो हम क्या करेंगे, द नेम ऑफ द वेरिएबल जिस जो हमारे पास जिसका आपने क्वांटाइल निकालना है, ओके कॉमा डाल के 0.33, सो दैट मीन मैं P33 निकालना चाह रहा हूँ, सो दैट इज आपके पास P33 का आंसर आ जाए। सो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने क्या पढ़ी थी कि एटलीस्ट 33% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 27.97 या उससे कम, ठीक है, या इसको हम यू भी कह सकते हैं एटलीस्ट 67% लोग ऐसे जिनकी एज 27.97 या उससे ज्यादा है, ठीक है जी। ओके जो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आप मॉड कैलकुलेट करने के अंदर इंटरेस्टेड है तो देन आप टेबल फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल, ओके दिस वन। सो यहां से हमारे पास क्या है कि हमारे पास वैल्यू उस पर्टिकुलर की आ रही है और उसके केस की फ्रीक्वेंसी आ रही है। सो इस डेटा सेट के अंदर ये जो हमने पेशेंट का डेटा क्रिएट किया हुआ है, सो इस डेटा सेट के अंदर देयर इज नो मॉड। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर नंबर एक एक दफा ही आ रहा है। सो अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा सो दैट मीन देयर इज नो मॉड, ओके सो इस डेटा सेट के अंदर जैसे हमारे पास कोई मॉड हमें नजर नहीं आ रहा।